हेलो गाइज, फिर से एक बार मैं आपको स्वागत करता हूँ। ये है YP सिनेमा न्यूज़ एपिसोड 3। आज के इस एपिसोड 3 में मैं आपको बताऊँगा देवरा मूवी की एक अपडेट, उसी के साथ साथ NTR 31 मूवी की भी एक अपडेट है, कल की 289 AD मूवी, जॉली LLB 3 मूवी की शूटिंग कब से स्टार्ट होगी या शूटिंग चल रही है या नहीं, स्वातंत्र्य वीर सावकर मूवी जो है उसकी OTT रिलीज डेट, ऐसे अमेजिंग अपडेट्स आपको आगे वीडियो में पता चलेंगे। और इसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए यार सब्सक्राइब करो YP सिनेमा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आज के इस YP सिनेमा न्यूज एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। कल की 289 AD मूवी की तरफ से एक वीडियो डाला गया है स्क्रैच एपिसोड 4। इस सीरीज में वो उनके नए नए इनोवेशन मतलब मूवी में यूज करने वाले हथियार या फिर कुछ भी यूनिक बनाते हैं मूवी में, तो वो उसकी मेकिंग प्रोसेस शेयर करते हैं। और उसी के दौरान उन्होंने 3 एपिसोड तो डाल दिए। पहले में मतलब एक में उन्होंने उनके वेपन्स बताए कि उस मूवी में जो वेपन्स यूज़ होने वाले वो कैसे बनाए उन्होंने। उसके बाद एक में एक टायर गोल राउंड कुछ बनाते हैं, वो शायद कार का टायर है या फिर कुछ और भी हो सकता है, उसका भी एपिसोड डाले। ऐसे करते करते 3 एपिसोड डाल दिए और चौथा एपिसोड उन्होंने डाला है। और उसका मतलब वो चौथा एपिसोड बहुत ही स्पेशल है, अभी तक मैंने जितने भी एपिसोड देखे उन चारों में से तो चौथा ही मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। वो था बुज्जी, बुज्जी नाम का एक कैरेक्टर होने वाला, मतलब रोबोटिक कैरेक्टर जो कि AI जैसा होने वाला है, जो कि कार में लगेगा। प्रभास यानी कल की भैरवा जो होने वाला कैरेक्टर, वो बनाएगा खुद की एक पर्सनल कार और उस कार में वो AI फीचर जैसा रोबोटिक खुद ऑटोमेटिक कंट्रोल होने जाने वाला, वो उसका ब्रेन होने वाला है जो कार का, उसका नाम बुज्जी है। और ये जो स्क्रैच वीडियो है वो उसी का है, वो कैसे बनाए उन्होंने, उसमें क्या क्या लगा और बहुत ही फनी वे में उन्होंने बताया। और ये जो बुज्जी AI बताने वाली AI रोबोट, तो इसको वॉइस जो एक कार कीर्ति सुरेश ने दिया है। और इसका मतलब पूरा कार जो है बुज्जी जिस कार में लगने वाली, वो 22 तारीख को वो दिखाएंगे पोस्टर या उसका भी एक वीडियो आएगा। साइड में बैकग्राउंड में देख सकते हो उस वीडियो में कैसे दिखाए उन्होंने। और एंड में बताया कि 22 मई को तैयार रहना, फुल वीडियो या पोस्टर ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे ख्याल से पोस्टर ही आएगा उस कार का। तो देखते हैं जैसे अपडेट आएगी आपको बताते चलूँगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अली LLB 3 मूवी का जो राजस्थान वाला शेड्यूल था वो पूरा हो चुका है। उसके बिहाइंड द सीन वाला वीडियो अर्शद वारसी ने शेयर किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो साइड में। वहाँ पर अक्षय कुमार और अर्शद वारसी 2 बाइक चला रहे, बहुत ही स्टंटबाजी या फिर कोई शूटिंग का कोई एक शॉट होगा या फिर उसका प्रमोशन करने के लिए उन्होंने शूट किया होगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और पहला शेड्यूल तो कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी उसके ऊपर केस कर दिया है, उसके राइट्स किसी और स्टूडियो के पास थी इसलिए वो मेकिंग बंद हो चुकी है, लेकिन नहीं अभी भी मेकिंग चल रही है उस मूवी की जॉली LLB 3 की। पहला शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, और अपडेट आएगी इस मूवी से रिलेटेड आपको बता चलूँगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है सूर्या सर के बारे में। तो सूर्या की मूवी कंगवा, उसको रिलीज किया जाने वाला है दिवाली पर। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो दिवाली की जो रिलीज डेट है दिवाली के आसपास की, उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं मेकर्स इस मूवी के। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, जो 25 अगस्त को आने वाली थी सिंघम अगेन, वो मूवी पोस्टपोन होकर वो भी दिवाली के ओर पर मतलब दिवाली के वीकेंड के ऊपर ही रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर दोनों मूवी उसी दिन रिलीज़ होती है तो बहुत ही बड़ा क्लैश होगा। कंगवा नो डाउट बहुत ही बढ़िया मूवी होने वाली, सिंघम की भी पोटेंशियल जो है कम नहीं आ सकते क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया मूवी होने वाली है सिंघम 1। तो जान दो, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अपडेट आ रही है NTR 31 की तरफ से। तो 20 मई को था जूनियर NTR का बर्थडे, उसी दिन मैत्री मूवी मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि जूनियर NTR की अपकमिंग मूवी यानी कि NTR 31, जिसके डायरेक्टर होने वाले प्रशांत नील, इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली अगस्त से। उन्होंने ये पोस्टर शेयर कर दिया है साइड में देख सकते हो, और उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि बिगनिंग अगस्त 2024। तो बहुत जल्द इसका शायद अनाउंसमेंट वीडियो भी आ जाएगा, टाइटल अनाउंसमेंट, देखते जैसे अपडेट आएगी आपको बताते चलूँगा। बस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। क्या अपडेट आ रही है स्वतंत्र वीर सावकर मूवी की तरफ से। तो ये मूवी हुई थी रिलीज 2024 के मार्च में, और अभी इसके डेढ़ से 2 महीने हो चुके हैं।
अब इसके रिलीज डेट आ चुकी है, OTT रिलीज डेट। तो ये मूवी रिलीज होने वाली है Zee5 के ऊपर। स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्म दिवस यानी कि जयंती जब होती है उसी दिन यानी कि 28 मई को ये Zee5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जिन जिन्होंने भी ये मूवी देखी नहीं थी OTT के ऊपर आने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो ये मूवी आ चुकी है OTT के ऊपर, मतलब 28 तारीख से देखना जरूर। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये कोई न्यूज़ या अपडेट नहीं है, इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊँगा कि इस हफ्ते क्या रिलीज़ हुआ है यूट्यूब के ऊपर, कोई सॉन्ग या ट्रेलर टीज़र, तो इसी के बारे में ये सेगमेंट। तो पहला रिलीज हुआ है चंदू चैंपियन का ट्रेलर, सेकंड रिलीज हुआ है देवरा मूवी का पहला सॉन्ग फेयर सॉन्ग और टी सीरीज के ऊपर 19 तारीख को, और चंदू चैंपियन का ट्रेलर भी शायद 18 तारीख को आया था और 20 तारीख को यह मतलब 20 मई को रिलीज हुआ है सावी द ब्लडी हाउसवाइफ का ट्रेलर, तो जाकर ज़रूर देखना ये सब। तो बस आज के लिए इतने अपडेट्स और न्यूज़ थे मूवीज जगत से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस मूवी की अपडेट या न्यूज चाहिए कमेंट में बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल YP सिनेमा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।